हम लोग जो अभी तक सेंट्रल एक्साइज में देख चुके हैं, मैं थोड़ा 5 मिनट का इंट्रो दूंगा। इसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद, उत्पाद मत समझ लेना, तो बच्चे करते हैं। उत्पाद शुल्क, ये एक्साइज ड्यूटी है। ये कौन सी ड्यूटी है? जो किसी प्रोडक्शन पर या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स पर चार्ज की जाती है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। बात समझ में आई? अगर आप किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं इन इंडिया और वो गुड्स आपका एक्साइजेबल है, तो आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी। जल्दी आ जाएं, तो आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है या प्रोड्यूस्ड इन इंडिया है, और वो एक्साइजेबल है। कैसे पता चलेगा कि कोई सामान एक्साइजेबल है या नहीं? तो अगर कोई सामान सीटा, सीटा मतलब सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में मेंशन्ड है, तो इसका मतलब वो एक्साइजेबल है। यानी गुड्स होगा, मैन्युफैक्चर्ड है, इन इंडिया है, लेकिन जरूरी नहीं उस पर ड्यूटी चार्ज हो। क्यों? क्योंकि वो सीटा में है ही नहीं, वो सीटा में मेंशन्ड ही नहीं है। जल्दी बैठे, इज इट क्लियर? वो सीटा में मेंशन्ड है ही नहीं, तो उस पर ड्यूटी चार्ज होगी नहीं, क्योंकि कोई सामान सीटा में होगा तभी ड्यूटी चार्ज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम लोगों ने देखा था कि जब हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो ड्यूटी लगती है। किस पर? वैल्यू ऑफ गुड्स पर इनटू रेट ऑफ ड्यूटी, बोलो ना, इनटू। तो हमें पता चल जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी कितनी। नहीं पता चल जाएगी? हाँ, या ना? नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो ड्यूटीज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एड वैलोरम। एक तरीका मैंने बताया था कि एड वैलोरम ड्यूटी हम लोग चार्ज करते हैं। यानी ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू। इसमें तीन तरीके बताए थे मैंने, एमआरपी बेसिस, हो गया रिटेल सेल प्राइस हो गया, हाँ, टैरिफ वैल्यू, और तीसरा वैल्यूएशन बेस्ड। आज हम लोग ये तीसरे तरह की ड्यूटी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यानी जो सामान अब बन करके मेरे हाथ में आया है, हाउ टू चार्ज ड्यूटी ऑन दैट गुड्स। दो चीजें हमने आपको पहले ही बता रखी हैं, एसेसिबल वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। हाँ या ना? 2 मिनट देते हैं, इनको दोबारा समझ लेते हैं ताकि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुड्स पर आसानी से आ सकें। और मैंने इसके लिए आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर कट लिखवाई भी थी, नहीं लिखवाई थी तो ढंग से सुनेंगे। मैंने सबसे पहले एसेसिबल वैल्यू की बात की थी। किसकी बात की थी? एसेसिबल वैल्यू की बात की थी। किसी को याद है? घर पे जाकर उसने दोनों तैयार किया डेफिनेशन, या वो हमको फिर बताना पड़ेगा? ढंग से सुनेंगे। वेयर अंडर दिस एक्ट, कुछ कुछ याद आया होगा। वेयर अंडर दिस एक्ट द ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज चार्जेबल ऑन एनी गुड्स विद रेफरेंस टू देयर प्राइस, विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू, देन ऑन ईच रिमूवल ऑफ दैट गुड्स
such value shall in a case where the goods are sold by the SSE, where the goods are sold by the SSE for delivery at the time and place of removal, and the SSE and buyers are not related, and the price is sole consideration for sale, be the transaction value. That's it. Itna hi bataya. Where the goods are sold by the SSE for delivery to him, at the time and place of removal, price is the sole consideration, and the buyer and the SSE, buyer and seller are not related person, be the transaction value. मैंने तुम्हें अपना सामान 5000 रुपए में बेचा, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तुम मेरे रिलेटेड नहीं हो. मैंने तुम्हें अपना सामान 5000 रुपए में बेचा, तुम मेरे रिलेटेड पर्सन नहीं हो, और जो मैं तुमसे 5000 मांग रहा हूँ ना, दैट इज फुल एंड फाइनल. इसके अलावा तुम मुझे कुछ भी नहीं देने जा रहे. तो इसका मतलब ये 5000 हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू ही हमारी एसेसेबल वैल्यू हो जाएगी. यही ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू आर एसेसेबल वैल्यू. यानी एसेसेबल वैल्यू विल बी आर ट्रांजेक्शन वैल्यू व्हेन एसेसेबल वैल्यू विल बी आर ट्रांजेक्शन वैल्यू व्हेन वेयर एसएससी एंड द बायर आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल. When, where the goods are delivered or where the goods are sold by the SSE at the time and place of removal. Yani kaun si condition satisfied ho gayi? Time of removal, place of removal, bolo, sole consideration, jo saman becha gaya usi value par becha gaya hai, not related, bolo na. अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई तो हमारा एसेसिबल वैल्यू वो वैल्यू होगा जिस वैल्यू पर हमने इसको सामान बेचा, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू. दैट्स इट. सो इजी. यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन अलग से करने की हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है. हमने इसको सामान 5000 रुपए का बेचा, दैट इज फुल एंड फाइनल, वी आर नॉट रिलेटेड पर्सन. नाउ द रुपीज 5000 विल बी आर एसेसिबल वैल्यू. क्यों बोलो पीछे कोई दिक्कत? पक्की बात ना ये. लेकिन अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, टाइम ऑफ रिमूवल इज नॉट द टाइम ऑफ रिमूवल. ओ मतलब क्या? नहीं मालूम. प्लेस ऑफ रिमूवल इज नॉट द प्लेस ऑफ रिमूवल. हो सकता है. मतलब क्या? अभी तक तुम लोगों को नहीं मालूम. सोल कंसिडरेशन इज नॉट द सोल सेल वैल्यू इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. प्रॉब्लम आ गई. एंड बोथ आर रिलेटेड पार्टीज. हम दोनों रिलेटिव्स हैं, हम दोनों रिलेटेड पर्संस हैं. यानी अगर इन कंडीशंस में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या ये दोनों एक होगा? नहीं सर. ये दोनों तो एक तब होगा जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी. आगे बोलता है इन एनी अदर केस. इसका मतलब अदर केस का मतलब जहां पर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल ना हो सके, जहां पर कोई एक कंडीशन पूरी ना हो सके, चार में से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो सके, तो उस केस में आप वैल्यूएशन रूल्स पर जाएंगे. इन एनी अदर केस इंक्लूडिंग द केस वेयर द गुड्स आर नॉट सोल्ड टू बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड या एज मे बी स्पेसिफाइड. एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जहां पर एक ये सेंटेंस आ जाए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, कहीं भी किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, चाहे टैक्स पढ़ो, चाहे तुम लोग लॉ पढ़ो, अगर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड आ गया तो इसका मतलब गो टू रूल्स. इसका मतलब प्रेस्क्राइब का मतलब अब आपको प्रेस्क्रिप्शन लेनी पड़ेंगी. कहां से? रूल्स से. इसका मतलब रूल्स बने हुए हैं. अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो पाए तो कहां चले जाओगे? रूल्स में. वैल्यूएशन रूल्स, जिसके बारे में आज हमें बातें करनी है. पक्की बात है. अच्छा, हमने आप लोगों को ट्रांजेक्शन वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी. ये तो थी एसेसिबल वैल्यू. ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा एसेसिबल वैल्यू ही ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, या दोनों एक ही वैल्यू होंगी अगर ये चार कंडीशन पूरी हो. तो ट्रांजेक्शन वैल्यू है क्या, हमें ये तो बताओ. आपने ये कहा एसेसिबल वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू. एसेसिबल वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी टू द बायर फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल सोल कंसिडरेशन एंड बोथ आर नॉट रिलेटेड देन then transaction value will be the assessable value. But what is the transaction value? What will be the amount of transaction value? कितना हम लोग amount consider करेंगे? इसको कैसे जानेंगे?
ट्रांजेक्शन वैल्यू की डेफिनेशन देख करके। किसकी भी डेफिनेशन देख करके जरा सुनो, ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। अब जितना अमाउंट ये पेमेंट करेगा हमको दैट वुड बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड इंक्लूड्स इन एडिशन टू द अमाउंट चार्ज एज प्राइस एनी अमाउंट दैट द बायर इज लायबल टू पे टू और ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर कनेक्शन ऑफ द सेल। अगर ये कोई अमाउंट पे करता है या तो डायरेक्टली हमको उस अमाउंट के अलावा, वेयर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड, जितना ये अमाउंट पे करेगा वो तो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है ही है, इसके अलावा उसमें जोड़ो अगर ये कुछ पीछे से पेमेंट करता है। हमने इसको कहा 5,000 रुपए दे और 5 किलो आटा भी दे दे, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो 5 किलो आटा का दाम ना जोड़ें? जोड़ें। एंड इन एडिशन टू दैट अमाउंट विच द बायर इज लायबल टू पे टू और ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी बाय रीजन ऑफ और इन कनेक्शन विद द सेल, वेदर पेबल एट द टाइम ऑफ द सेल और एट एनी अदर टाइम, चाहे तुरंत पे करे वो आटा चाहे बाद में दे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेल से रिलेटेड है। मैंने तुम्हें सामान बेचा कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। मैंने तुम्हें सामान बेचा कितने रुपए का तो बताओ ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी? 5,000। इसके अलावा तुमने 10 किलो गेहूं और दिया मुझे, अब बताओ ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी? 5,000 + 10 kilograms ऑफ वीट, हाँ या ना? उसकी वैल्यू जोड़ोगे दैट इज आवर ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये 10 किलो आटा इसलिए तुम गेहूं इसलिए तुमने मुझे दिया क्योंकि मैंने तुम्हें सामान बेचा, तो ऐड करेंगे ना, हाँ या ना? ऐड कर दो, चाहे तुम मुझे अभी दो 10 किलो गेहूं या तो बाद में दो, लेकिन ये क्यों दे रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें सामान बेचा, हाँ या ना? लेकिन बस इतने से खुश ना हो जाओ, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जोड़ेंगे, कुछ चीज़ें जोड़ेंगे। और जो अभी मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट, दैट इज़ योर इंक्लूसिव लिस्ट, यानी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और शामिल कर सकते हो। क्या? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, पब्लिसिटी कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वारंटी, कमीशन एंड सर्विसिंग कॉस्ट, दैट्स इट। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जोड़ सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आई? तो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी पहले तो ये पता करो। जितनी वैल्यू तुम मुझे दोगे, मैं सेलर हूँ, जितनी वैल्यू तुमने मुझे दी प्लस हाँ अदर आइटम्स जो तुमने मुझे दिए सेल के कारण। क्यों दिए मुझे ये चीज़ें? ड्यू टू सेल्स, हाँ या ना? पक्की बात है ना? लेकिन इस वैल्यू में आप कुछ और जोड़ेंगे, पब्लिसिटी कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ, आउटवर्ड हैंडलिंग कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, वारंटी, सर्विसिंग, हाँ या ना, एक्सेट्रा, ये कॉस्ट भी आप जोड़ेंगे। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ जोड़ते हैं, यानी ये प्लस ये, दिस इज आवर ट्रांजेक्शन वैल्यू। और ये पूरी वैल्यू हमारी एसेसेबल वैल्यू बन जाती है कब? अगर ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाए, अगर ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाए तो। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है? पक्का 100%? बच्चा कहता है कि इसमें से लेस भी करेंगे। अरे हाँ, कोई टैक्स ऐड नहीं किया जाएगा, नो टैक्सेस आर टू बी ऐड, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह क्या कर देंगे हम इसमें? लेस कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी हाँ, टैक्स हाँ, वो भी लेस कर देंगे। चलें, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मुद्दे की बात पर, आते हैं किस पर? वैल्यूएशन। हम मान लेते हैं इनमें से कोई कंडीशन सेट नहीं हो पाई, यानी कोई एक कंडीशन डिफीट कर गई, तो अब हमें वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, अब वो ट्रांजेक्शन वैल्यू लाना पड़ेगा। नाउ वो ट्रांजेक्शन वैल्यू काम नहीं आएगा जितने पर मैंने इसको सामान बेचा, कोई और वैल्यू आएगी, कोई और वैल्यू आएगी। ढंग से सुनेंगे अब,
एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम लोग अब बातें करने जा रहे हैं क्या, जहां पर ट्रांजेक्शन वैल्यू एसेसिबल वैल्यू के बराबर ना हो. बोलो, यानी एसेसिबल वैल्यू इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू. एसेसिबल वैल्यू इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एसेसिबल वैल्यू. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इत्मीनान रखना, टेंशन ना लेना, बिल्कुल आराम से चलेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, ठीक है ना, या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. इज इट क्लियर? वैल्यूएशन रूल्स 2000, यहाँ प्राइस लिख देना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ वैल्यूएशन एक्साइजेबल गुड्स. चलो जरा देखते हैं क्या है ये रूल्स, क्या बने हुए हैं. और रूल्स पर कब जाते हैं, जब सेक्शन 41B में आते हैं. सेक्शन 41A ने बोला, सेक्शन 41A ने बोला और बी ने बोला. बी ने, ए ने कहा एसेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू. ए ने बोला था एसेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू जब ये चार कंडीशंस, लेकिन अगर ये पूरी ना हो पाए तो बी पर जाओ इन एनी अदर केस. हाँ या ना, इन एनी. और अगर एनी अदर केस में जाते हो तो मैंने कहा था एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और प्रेस्क्राइब्ड क्या है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और बताओ प्रेस्क्राइब्ड क्या है, ये सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. इज इट क्लियर, पक्का ना. तो हम बात करेंगे जहां पर एसेसिबल वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू बराबर ना हो. अब ये रूल्स क्या कहते हैं, जरा ढंग से सुनना. ये रूल स्टार्ट होंगे रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11. ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं. रूल नंबर 1 सो सिंपल, वो हमेशा नाम ही बताएगा कि हम कौन हैं. रूल नंबर 1 कहता है कि हम सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स हैं. इज इट क्लियर, ये रूल नंबर 1 है. उसने अपना नाम बताया, इंट्रो किया, इसमें दिक्कत है क्या तुम लोग को. रूल नंबर 2 एज यूजुअल, जैसे सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन पार्ट बताता है, रूल नंबर 2 भी आपको डेफिनेशन बताएगा कि हम आने वाले रूल्स में कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे. और उसमें एक वर्ड आएगा जो मैं बीच में बोलूंगा, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू. केवल मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या मतलब लेंगे इस नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू का. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू, इट इज डिफाइंड अंडर रूल 2. क्या डिफाइन किया गया, क्या बोला गया है नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू, सुन लो. नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब होता है एक चीज, एक लाइन, एक सिनोनिम्स हमेशा दिमाग में बैठा लेना, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी. बोलो ना, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉर्मल ट्रांजेक्शन. मैं रटवा रहा हूँ,
नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, दो लाइनें हैं। नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स द ट्रांजेक्शन वैल्यू एट विच द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर सोल्ड। सो सिंपल सर, इसका मतलब बताइए। मतलब ये है कि अगर मैं 500 यूनिट्स को 1000 रुपए में बेचूं, 200 यूनिट्स को 1200 रुपए में बेचूं और 600 यूनिट्स को 900 रुपए में बेचूं, तो बताओ ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी कहां पर है? 1200 रुपए, 1000 रुपए या 900 रुपए? यूनिट्स पर आओ ना, रुपए पर क्यों जाते हो सर? आप भरमाते क्यों हैं? क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो आप रुपया कहां से ले आ रहे हैं? ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट 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 600। दिस इज आवर ट्रांजेक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर? दिस इज नोन आवर नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू। दिस इज टू बी नोन आवर नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू। हाँ या ना? पक्की बात है, हटा सकते हैं इसको। आते हैं रूल नंबर 3। कुछ नहीं बोला इसने, कहा हम जानते हो हम क्या हैं, हम सेक्शन 41B के कारण हैं। हम किसके कारण हैं? वो तो मैंने पहले ही बताया, 41A एंड 41B। जहां पर वो कंडीशन सेट ना हो पाए तो 41B इन एनी अदर केस। अगर 41A लगता है तो 41B में क्यों आ रहे हो? काहे का वैल्यूएशन रूल्स? अगर आप रिलेटेड नहीं हो, सोल कंसिडरेशन है, तो एसेसिबल वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। झंझट वहीं खत्म करो, डू नॉट गो विद द रूल्स। बट द रूल्स विल बी कंसीडर्ड वेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ रूल सेक्शन 41A आर नॉट फुलफिल्ड। जहां पर 41A की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल पूरा नहीं हो पाया, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन पूरा नहीं हो पाया, बायर एंड सेलर आर द रिलेटेड पर्सन हैं, तो वहां रूल सेक्शन 41B पर आ जाओ। और सेक्शन 41B के कारण हमारे रूल सब स्टार्ट होंगे। तो क्या कहता है रूल 3? द वैल्यू ऑफ एक्सेसिबल गुड शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 41B ऑफ द एक्ट बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स। बात खत्म हो गई। यानी ये सब किस कारण है? सेक्शन 41B के कारण है। दैट्स इट। अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी तक 3 रूल्स देखे। पहला रूल कहता है ये मेरा नाम है। रूल 2 कहता है डेफिनेशन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। और रूल 3 बोलता है हम किसके कारण है? सेक्शन 41B के कारण है। इज इट क्लियर? यहां से अब अलर्ट हो जाना है। मैंने कहा कौन कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो पाएंगी, ढंग से सुनना। पहला, टाइम ऑफ रिमूवल आराम से चलेंगे। दूसरा, प्लेस ऑफ रिमूवल, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अब स्टार्ट करें एक एक करके, अभी आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले रूल 4 बताता है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड At the time, where the goods are sold at the time other than time of removal। बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल इत्मीनान रखना। Goods are sold at time, हाँ ये condition हटाओ, पूरी नहीं हो पा रही। At time other than time of removal, अदर देन सर, ये टाइम ऑफ रिमूवल क्या होता है और ये अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल क्या होता है? मैंने तुम लोग को अगर टाइम ऑफ रिमूवल बताया हो, सुन लो, फैक्ट्री गेट इज आर प्लेस ऑफ रिमूवल, ये हमारा प्लेस है। सामान हम कहां से निकालते हैं? फैक्ट्री गेट से। फैक्ट्री गेट से सामान निकल सकता है। ड्यूटी तो इस पर उसी समय, वर्ड सुनना, समय, ड्यूटी तो इस पेन पर उसी समय लग गई थी जब ये पेन बनकर तैयार हुई थी। सामान बिके
या ना बिके गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू चार्ज द ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर एंड नॉट ऑन सेल. दिस इज नॉट योर सेल्स टैक्स, दिस इज योर एक्साइज ड्यूटी, एंड एक्साइज ड्यूटी इज टू बी चार्ज ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर. प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर पर यह ड्यूटी चार्ज की जाती है. हाँ या ना? तो जब ये सामान बना था ड्यूटी तो उस समय लग गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा पैसा एक काम करना हमें बाद में देना. कब दूं? प्लेस ऑफ रिमूवल के समय. कब दूं? टाइम ऑफ रिमूवल के समय. जब आप सामान अपनी फैक्ट्री गेट से निकालेंगे ना, तब आप उस समय टैक्स दे देना. आपकी भी सुविधा, मेरी भी सुविधा. आपके पास सामान स्टॉक में रखा हुआ है, हम आपसे ड्यूटी नहीं मांग रहे. ड्यूटी लग चुकी है, लेकिन मांग कब रहे हैं? जब आप सामान सेल के लिए निकालेंगे. और सामान सेल के लिए निकालते हैं तीन जगहों से. पहला फैक्ट्री गेट से, दूसरा वेयर हाउस से. वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन. दिस इज योर प्लेस ऑफ रिमूवल. सामान आप अपनी फैक्ट्री में बिना ड्यूटी के पेमेंट किए रख सकते हैं. मेरी फैक्ट्री में, मेरे फैक्ट्री में सामान रखा हुआ है, क्या ड्यूटी दे दूं? अरे ड्यूटी लग चुकी है, लेकिन देना तो उस समय जब सामान वहां से बाहर जाएगा. मैंने गोडाउन जो है ना अपनी फैक्ट्री से कहीं बाहर बनाया है, तो क्या हम सामान गोडाउन में ना रखें? रखें. तो क्या ड्यूटी पे करके रखें? नहीं सर. वेयर हाउस में सामान आप बिना ड्यूटी के पेमेंट के रख सकते हैं. सामान मेरी फैक्ट्री में पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है जब तक कि इस फैक्ट्री से सामान ना निकले. सामान मेरे वेयर हाउस में पड़ा हो, सामान मैंने यहाँ से निकाला वेयर हाउस में, और वेयर हाउस से हम सामान बेचेंगे, तो बताओ प्लेस ऑफ रिमूवल क्या है? वेयर हाउस. यानी दो जगहों पर सामान हम बिना ड्यूटी पेमेंट के रख सकते हैं. पहला फैक्ट्री गेट या फैक्ट्री विद इन फैक्ट्री प्रीमाइस, और दूसरा वेयर हाउस. हम कभी कभी सामान बेचते हैं एजेंट के थ्रू, कंसाइनमेंट के थ्रू, डीपो के थ्रू. हाँ या ना? तो सामान हम यहां से बेचेंगे, तो बताओ मेरा प्लेस ऑफ रिमूवल क्या होगा? ये होगा या ये होगा? ये होगा. दिमाग से निकाल देना. है प्लेस ऑफ रिमूवल, ये है. मैं एक्सेप्ट करता हूं तीन प्लेस ऑफ रिमूवल होते हैं हमारे, एक फैक्ट्री गेट, दूसरा वेयर हाउस, और तीसरा एजेंट का प्रीमाइसेस. लेकिन ये वो दो जगहें हैं जहां गवर्नमेंट ने कहा कि आप सामान स्टोर कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. बट व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू रिलीज योर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द सेल टू डीपो, ट्रांसफर टू डीपो और एजेंट, देन फर्स्ट पे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, आफ्टर दैट यू कैन मेक द ट्रांसफर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी. अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वी विल सी इट अंडर रूल 7. कहां देखेंगे हम लोग? देखेंगे. अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अब आते हैं वापस. टाइम ऑफ रिमूवल, हम बात किसकी कर रहे हैं? टाइम ऑफ रिमूवल. तो जब प्लेस ऑफ रिमूवल से सामान जाएगा, दैट इज नोन एज प्लेस ऑफ टाइम ऑफ रिमूवल. प्लेस ऑफ रिमूवल से जब सामान बिकेगा, तो वही प्लेस ऑफ रिमूवल से जब सामान जाएगा, तो वो कहलाएगा टाइम ऑफ रिमूवल. लेकिन एक बात बताओ, मैंने वर्ड क्या लिखा है? गुड्स आर सोल्ड एट अ टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल. थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन ये प्रोविजन उस समय अप्लाई होता है जहां पर सामान हम फ्री में देते हैं, सैंपल में देते हैं, वारंटी में देते हैं, सर्विसिंग में देते हैं बिना चार्ज किए हुए. यानी मैंने तुम्हें सामान दिया, एक रुपया भी नहीं वसूला. व्हाट वुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू? हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने तुम्हें सामान दिया, सर्विस में करने के लिए दिया, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, वारंटी के अंडर कंसीडरेशन में दिया, तो बताओ अब इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या लेंगे? अगर मैंने किसी को सामान फ्री सैंपल में बांटा है, तो क्या ड्यूटी ना दें गवर्नमेंट को? ड्यूटी ना दें? अरे फ्री में दे रहे हो तो ड्यूटी दोगे गवर्नमेंट को? क्या बात कर रहे हो? सामान फ्री में दोगे तो ड्यूटी दोगे? हाँ.
वो इसलिए क्योंकि सामान पर ड्यूटी तो उस समय लग गई थी जब सामान प्रोड्यूस हुआ था, पेमेंट करना बाकी था ना। तो जब सामान आप निकालोगे ना तो पेमेंट करोगे। अब सामान हम फ्री में ही किसी को क्यों ना बांटें, तो ड्यूटी तो जाएगी ही जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारा प्रोविजन लगता है फ्री सैंपल्स के केसेस में एज वेल वारंटीज के केसेस में। हाँ या ना? ये दो कंडीशंस हैं जहां पर हमारा ये प्रोविजन यानी कि रूल नंबर 4 अप्लाई होता है। कौन सा रूल नंबर 4? वेयर द गुड्स आर सोल्ड एट अ टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल। और कौन से वो दो पॉइंट हैं? फ्री सैंपल या वारंटी का केस है जहां पर हम सामान तो दे रहे हैं लेकिन उसका टाइम ऑफ रिमूवल क्या माने भाई? क्या टाइम ऑफ रिमूवल माने हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम वो टाइम ऑफ रिमूवल तो ले ही नहीं सकते जब हम फ्री में दे रहे हैं। हमने इसको सामान फ्री में दिया, टाइम ऑफ रिमूवल तो वो है ही नहीं ना। पूछो क्यों? अरे पूछना क्यों? अगर हम उसको मान लेंगे टाइम ऑफ रिमूवल तो पैसा कहां से लोगे? पैसा तो हमने चार्ज ही नहीं किया। अगर यही टाइम ऑफ रिमूवल ले लेंगे तो पैसा कौन सा? ट्रांजेक्शन वैल्यू 0। ट्रांजेक्शन वैल्यू 0। तो अब एक काम करो, इसके थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे चले जाओ जहां पर मैंने पैसा लेकर किसी को सामान बेचा है। थोड़ा पीछे यानी वो टाइम थोड़ा सरका दो। या तो थोड़े समय पहले मैंने किसी को सामान बेचा होगा या उसके थोड़े समय बाद मैंने सामान किसी को बेचा होगा। हो सकता है सुबह 11 बजे मैंने सामान बेचा हो 500 यूनिट्स 50 रुपए के हिसाब से। हो सकता है 12 बजे मैंने 100 यूनिट सैंपल में दे दिए। किस में दे दिए? और 12:30 बजे मैंने चलो 600 यूनिट 60 रुपए में दे दिए। अब बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे इसके कैलकुलेशन में? देखो ना, टाइम ऑफ रिमूवल अब वही नहीं ले सकते, टाइम ऑफ रिमूवल ये नहीं है। अगर टाइम ऑफ रिमूवल 12 बजे मानेंगे तो 12 बजे की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, तो हमें इसके थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा? गुड्स आर सोल्ड एट टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल। सोल्ड एट टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल, रिमूवल तो ये है लेकिन थोड़ा कुछ और वैल्यू ले रहे हैं। अब बात समझ में आई? मैं बोलता हूं, इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल। हाँ, गुड्स बेचा नहीं गया है, सैंपल में दिया गया है या वारंटी में दिया गया है। इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल देन वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सच गुड सोल्ड बाय द एसएससी एट एनी अदर टाइम। एट एनी अदर टाइम, इस टाइम के अलावा, एट एनी अदर टाइम नियरेस्ट टू द टाइम ऑफ रिमूवल। नियरेस्ट टू द टाइम ऑफ रिमूवल, nearest to the time of removal, subject to reasonable adjustment. Is it clear? हाँ या ना? Nearest to the time of removal, बताओ nearest कौन सा है? Nearest। और अगर ये तुम लोग कहते हो सर 12:30 तो कितना valuation ले लेंगे? 60 रुपए ले लेंगे। अगर मैं इसको 1.5 कर दूं तो nearest कौन सा है? तो हम कितना ले लेंगे? 50 ले लेंगे। अब बात समझ में आई? चलो हम टाइम की बात नहीं कर रहे, ये 1 जनवरी है, ये 28 दिसंबर है, ये 5 जनवरी है, बताओ कौन सा लोगे? 28 दिसंबर का ले लोगे, नियरेस्ट टाइम। अरे बोलना, समझ में आया? इस पर क्वेश्चन सॉल्व करें, देखा जाए रूल 4 समझ में आया। मैंने यहाँ लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल, या हम लिख सकते थे गुड्स आर नॉट सोल्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ऐसे भी लिख सकते थे। अब बात समझ में आई? दोनों का मतलब एक, तो वो टेंशन मत लेना क्योंकि मैंने पढ़ते समय नॉट सोल्ड वर्ड यूज किया था, तो वहां पर आगे की मीनिंग कुछ और थी, हमने आगे का चेंज कर दिया। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। हाँ बोलो, क्या है? अरे टेंशन ना लो, हटा दें इसको,
कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बताओगे तुम लोग आंसर? क्वेश्चन नंबर वन, पांच सौ दस यूनिट सोल्ड एज एट द रेट ऑफ, आठ सौ चालीस यूनिट सोल्ड एज एट द रेट ऑफ एंड थर्टी फाइव यूनिट्स सैंपल, हमें हमारा आंसर दो। वैल्यूएशन कितने पर लेंगे? देखो हम मान, सुन लो इधर, कि जो 510 यूनिट बेची है मैंने इसको, ही इज नॉट माई रिलेटेड पर्सन, ही इज नॉट अ रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड द एसेसिबल वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर? यानी इस 500 के केस में 250 ट्रांजेक्शन वैल्यू है, यहाँ एसेसिबल वैल्यू ही हमारी क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू है? ट्रांजेक्शन वैल्यू है। 840 यूनिट मैंने उसको बेची दूसरे बंदे को 200 रुपए में, और दोनों रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो हमारी यही 200 हमारी क्या मान ली जाएगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो इन दोनों के केस में तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड द एसेसिबल वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। प्रॉब्लम इज अराइजेज ऑन सैंपल विच इज गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, द गुड्स हैव बीन रिमूव्ड बट विदाउट एनी अमाउंट। नाउ टेल मी वॉट द वैल्यूएशन शुड बी डन विद रेस्पेक्ट टू योर फ्री सैंपल्स। यस, वेदर शुड बी टेक इट एट 250 और 200, इसको 250 लें या 200 लें? 250 लें या 200 लें? क्यों लेंगे? मैं फिर पढ़ता हूं, बोलने देना बोलने देना, हड़बड़ी की बात नहीं है। द वैल्यू ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स शैल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सच गुड्स सोल्ड बाय द एसएससी फॉर डिलीवरी एट एनी अदर टाइम टू द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर असेसमेंट। आया ना? नियरेस्ट टाइम पर लेंगे, तो ये मान लेंगे ये पहले बिका था, ये बाद में बिका, तो नियरेस्ट टाइम कौन सा होगा? 200। तो नियरेस्ट टाइम एज एट द रेट ऑफ 200। तो वैल्यूएशन ऑफ फ्री सैंपल कितना है? थर्टी फाइव यूनिट्स एज एट द रेट ऑफ 200 रुपए, 70,000। इज इट क्लियर? दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर दो पे चले, क्या 7,000 आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर लिख लिया ये, इसको क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स 31 दिसंबर को, सेल है 40 यूनिट 190 रुपए के हिसाब से, सिक्सटी यूनिट्स है 200 के हिसाब से, और सैंपल में दी गई हैं 50 यूनिट्स। पक्की बात है ये जीरो होगा, सैंपल में दिया गया है
स्टॉक है 850 यूनिट्स, हाँ, तो वैल्यूएशन ऑफ सैंपल बताओ कितने पर लेंगे? सॉल्यूशन दस हजार शायद आ जाएगा। अगर दोनों सामान सेम टाइम पर बेचे जाए, मान लें ये मिस्टर एक्स को बेचा गया, ये मिस्टर एक ही समय पर, तो भी हमारा जवाब यही आएगा, तो भी हमारा जवाब, जब दोनों एक ही समय पर बेचे गए हैं तो हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर कर लो, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी को कंसिडर कर लो, क्यों बोलो? चलें आगे, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर थ्री लिख लिया ये। प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स ऑन 31 दिसंबर 2015। 40 यूनिट्स 190 के हिसाब से हैं सेल, फिफ्टी यूनिट्स 200, चलो इसको बताओ, टू है, मैंने पलट दिया, 200 190, सैंपल्स हैं 50 यूनिट्स, 0 रुपीज पर, स्टॉक है 830 यूनिट्स, हाँ बताओ कितना लोगे? सिंपल था, पक्का? चलो एक काम करें, इसी क्वेश्चन में हमें बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको, इधर देखना, 60 कर दूं, इसको मैं 40 कर दूं, अब मेरी बात समझना, कहीं दिया हुआ है पहले ये है बाद में ये, पहले ये बाद में ये, मान लेते हैं दोनों एट अ सेम टाइम है, तब दोनों एट अ सेम टाइम है, दोनों सेम टाइम पर हैं, तो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी का ले लोगे 200 रुपए, हाँ या ना? बात खत्म। अच्छा, तीसरी क्वेश्चन आ सकती है सर, दोनों अगर 60 60 हो तो
टाई हो जाए तो, अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कोई कम या कोई ज़्यादा, प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। दोनों एट अ सेम टाइम हैं 60 यूनिट्स, 200 के हिसाब से 60 यूनिट 190, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी भी 60 60 ही है और नियरेस्ट भी दोनों ही है, टाई हो गया। अब प्रोविजन में डाउट आया या नहीं आया, प्रोविजंस में डाउट आया या नहीं आया, तो उस डाउट का फायदा एसएससी ले जाएगा, यानी किस वैल्यू पर, 190 पर। अब बात समझ में आई, तो 50 यूनिट्स 190 के हिसाब से, अब 200 मत ले लेना। इस डाउट का फायदा एसएससी उठाएगा, अगर किसी प्रोविजन में डाउट होता है तो उसका बेनिफिट एसएससी को दे दिया जाता है। एट अ सेम टाइम दोनों हैं 60 60, दो लोगों को बेचा है, वैल्यूएशन 200 रुपए 190 रुपए। अब तक तो ये था कि जहां पर टाइम का फर्क था वहां प्रॉब्लम नहीं थी, बाद वाला टाइम ले ले रहे थे। जहां पर टाइम का प्रॉब्लम नहीं था, सेम टाइम पर था, तो जहां ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ज्यादा, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी जिस वैल्यू पर सेल की जा रही थी उसी को ले ले रहे थे, चाहे कम में हो चाहे ज्यादा में हो। अब तक क्या था, 60 यूनिट्स, यहां 50 यूनिट थे, तो हम किसको बेस ले ले रहे थे, 60 को, हाँ या ना। अब रेट चाहे 190 हो, चाहे रेट 190 ही क्यों ना हो, अगर ये 60 है ये 50 हो गया तो 200 को बेस ले ले रहे थे ग्रेटेस्ट क्वांटिटी को। लेकिन अगर अब दोनों 60 60 हैं तो यहां पर एक थोड़ा साइलेंट है, तो अब इसका फायदा दे दो एसएससी को। फायदा क्या होगा, वैल्यूएशन कम पर कर दो 190 पर। अब बात समझ में आई, तो 50 यूनिट्स का 190 के हिसाब से आगे चल सकते हैं, पक्का ना। ये था आपका रूल फोर, कौन सा रूल, रूल फोर। देखो ना, गुड्स कहां पर सेल किया जा रहा है अदर देन प्लेस ऑफ रिमूवल। अब तक हम सामान कहां से बेच रहे थे, फैक्ट्री गेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तक हम सामान कहां से बेच रहे थे, वेयर हाउस से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिपो की बात नहीं कर रहे हम डिपो की बात नहीं कर रहे। मैंने उस समय निशान लगाकर बोला था रूल सेवन में देखेंगे इसको, तो हम रूल सेवन में उसको देखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, रूल फाइव, गुड्स आर टू बी सोल्ड अदर देन द प्लेस प्लेस ऑफ रिमूवल, यानी फैक्ट्री गेट और वेयर हाउस से सामान नहीं बिक रहा, हम सामान बायर्स प्रीमाइसेस तक बेच रहे हैं। यानी गुड्स सोल्ड एट बायर्स प्लेस, सुन लेना इधर, समझ में आया। ये मेरा फैक्ट्री गेट है, देखो इधर तुम लोग लिखने के पीछे क्यों पड़े रहते हो, ये हमारा फैक्ट्री गेट है और ये मेरा बायर्स प्लेस है। अगर कोई सामान यहां से रिमूवल होता तो जितनी वैल्यू होती उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते। हम मान लो सामान यहां 5,000 रुपए में बेचते, लेकिन मैंने सामने वाले से वायदा किया है, क्या किया है कि हम सामान आपको आपके प्लेस पर 5,500 रुपए में पहुंचाएंगे। ये हमें नहीं मालूम, हमें मालूम है कि बीच का जो भाड़ा है ना वो 200 रुपए का है। अब बताओ वैल्यूएशन कितना, देखो ना सीधा सा हिसाब है सर, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इस वैल्यू पर आ गया। हाँ, प्लेस ऑफ रिमूवल तो यही है, तो इफ वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू सेल आर गुड्स एट एनी अदर प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ रिमूवल, देन इन दैट केस वी हैव टू माइनस व्हाट, फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इज इट क्लियर, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे।
चले क्या है सॉल्यूशन में, सेल वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कहां से कहां तक, फ्रॉम फैक्ट्री गेट या फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू द बायर्स प्लेस, फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्लेस, अरे बोलते क्यों नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो कभी कभी दूसरी ही आती है, कभी कभी हम यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ी हुई रहती है। कभी कभी हम फैक्ट्री से बेच देते हैं सामान 500 रुपए में, कभी कभी हम बायर्स प्लेस तक भी सामान बेच देते हैं 500 रुपए में, प्राइस यूनिफॉर्म है। सामने वाला कहता है हमारे घर पे पहुंचा दोगे, मन में आता है नहीं पहुंचाएंगे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, हाँ हाँ पहुंचा देंगे, नहीं समझे। और कभी कभी आता है कि सामान यहाँ से वहाँ से यहीं से ले जाओ, भाड़े वाड़े का हमारा टेंशन नहीं है, तो हम वहीं से 500 रुपए में चिपका देते, नहीं समझे। एक यूनिफॉर्म प्राइस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, तो प्रॉब्लम आती है उस केस में हम करें तो करें क्या, उस केस में हम वैल्यूएशन तक कैसे पहुंचे, ट्रांजेक्शन वैल्यू तक। तो कहा गया एवरेज फ्रेट कैलकुलेट कर लो या फिर इक्वलाइज्ड फ्रेट कैलकुलेट कर लो, मतलब एक ही है। मैं कभी कभी बोलूंगा इक्वलाइज्ड फ्रेट, कभी कभी बोलूंगा एवरेज फ्रेट, मतलब एक ही है। कैलकुलेट कर लो, माइनस कर लो, बात खत्म। सर कैसे होगा इक्वलाइज्ड कॉस्ट या इक्वलाइज्ड फ्रेट या एवरेज फ्रेट? अगर कोई सेलर या एसएससी बायर से यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करता है इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उस केस में हम इक्वलाइज्ड या एवरेज फ्रेट माइनस कर देते हैं। देखना चाहोगे कैसे, देखना चाहोगे कैसे, क्वेश्चन नोट करते हैं। यूनिफॉर्म सेल प्राइस 500 पर यूनिट, एट फैक्ट्री वन थाउजेंड यूनिट्स। फ्रेट मैंने लिया ही नहीं, पूछो ना क्यों, क्योंकि हम फ्रेट फैक्ट्री से ही सामान बेच दे रहे हैं, हाँ या ना। सामने वाले को कहा देख फ्रेट वगैरह का हेडेक तेरा, अच्छा दूसरा कस्टमर आया चेन्नई से, कॉल आई, वहां मैंने सेल किया है 700 यूनिट और मैंने फ्रेट चार्ज किया है, देखो ना अपनी फैक्ट्री से नहीं बेचा, चेन्नई तक पहुंचाया और मैंने 50,000 रुपये फ्रेट चार्ज किया, और जबकि हम प्राइस वही ले रहे हैं 500 रुपया पर यूनिट, 500 रुपया पर यूनिट, अच्छा एट सेलम 500 यूनिट, ₹25,000 रुपये मैंने चार्ज किए। हमारा कोई धर्म नहीं है जिसको जितने पर चिपकाना हो चिपका दो, कोई फैक्ट्री से सामान खरीद कर ले जा रहा है तो भी 500 रुपया, चेन्नई से कॉल आ रही है तो भी हम उसको वहाँ पहुँचवा दे रहे हैं 500 रुपये, सलेम से कॉल आ रही है वहाँ तक सामान पहुँचा रहे हैं 500 रुपये। लेकिन हाँ जब अपनी फ्रेट से अपनी फैक्ट्री से सामान बेच रहे हैं तो 500 रुपये पर कोई फ्रेट अलग से नहीं, क्योंकि अपनी फैक्ट्री से बेच दिया, ले जाओ यहाँ से सामान, चेन्नई तक माल पहुँचाया 700 यूनिट और 50,000 अपनी जेब से दिया, सलेम तक सामान पहुँचाया अपनी जेब से 25,000 रुपये दिया, यानी फ्रेट हम शामिल कर भी सक रहे हैं, यानी चार्ज कर रहे हैं किसी केस में और किसी केस में चार्ज। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लें तो क्या लें। तो मैंने कहा ये फैक्ट्री गेट तक तो ठीक, लेकिन चेन्नई वाले में से कुछ माइनस होना चाहिए, आखिर पर यूनिट कितना है 500 रुपये, पर यूनिट कितना है, पर यूनिट कितना है 500 रुपये। अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम ये नहीं देखेंगे कि सामान कहाँ से बिका,
हम इक्वलाइज्ड फ्रेट ले लेंगे, एवरेज पे फ्रेट ले लेंगे। सुन लो, कितने यूनिट्स बिके, टोटल फ्रेट मैंने कितना वसूला बताओ, एक यूनिट पर कितना फ्रेट वसूला, नहीं बताओगे आज, कसम है। 34, 34 रुपए यानी वसूल रहे हैं एक यूनिट पर, फ्रेट कितना वसूल रहे हैं 34 रुपए, सीधा सा हिसाब है, 34 रुपीज हम पर यूनिट पर चार्ज कर रहे हैं भाई, इक्वलाइज्ड फ्रेट, चाहे उस पर मैंने फ्रेट वसूला हो ना, इक्वलाइज का मतलब आप सबको बराबर करो, इक्वलाइज का मतलब आप सबको बराबर तौल पर रखो। बताओ 500 रुपए पर यूनिट है तो माइनस कर लो कितना, ये हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है। अब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे 466, कितना लेंगे, दिस इज आर आंसर, इक्वलाइज फ्रेट माइनस कर देंगे, क्योंकि बायर्स प्लेस तक ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कहां तक ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां तक का क्यों वहां शामिल कर रहे हो, आखिर मेरी कॉस्ट तो वहां बायर्स प्लेस तक लगी होगी, यानी जो आप 500 रुपया चार्ज कर रहे हो उसमें फ्रेट भी शामिल है, किसी केस में आप फ्रेट शामिल कर रहे हो, किसी केस में फ्रेट शामिल नहीं कर रहे हो, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम क्या मान लेंगे, सब में फ्रेट शामिल है, बराबर बराबर सब में शामिल है। तो टोटल क्वांटिटी कितना रुपया फ्रेट वसूला, डिवाइड कर लो पर यूनिट कितना फ्रेट आया उतना माइनस कर दो सब में से, बोलो। ये उसी केस में पॉसिबल है जब हम यूनिफॉर्म सेल प्राइस रखते हैं, ये केवल उसी केस में पॉसिबल है जब हम यूनिफॉर्म सेल प्राइस रखते हैं। इज इट क्लियर, हटा दूं, याद रखना सीएमए में इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पर जितने तुम लोग रूल्स देख रहे हो अच्छे खासे क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एग्जाम है जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, 6 से 8 नंबर तो तुम लोग का फिक्स है, क्या है, इन्हीं 8 रूल्स में से आना ही आना है। हटा दें, तो अब ये बात समझ में आई, जहां हम लिखवा रहे हैं उसके नीचे ही तुम लोग नोट कर रहे हो ना, इधर उधर नोट नहीं ना कर रहे हो। रूल 5 इज ओवर, इसमें एक और पॉइंट था, कहो तो मैं बता दूं कि अगर मेरा सामान एमआरपी बेस्ड है, कौन सा बेस्ड, शायद कुछ बच्चे ना जाने एब्सेंट होने की वजह से, एमआरपी बेस्ड है, आरएसपी रिटेल सेल प्राइस, और रिटेल सेल प्राइस में हम लोग कुछ अबेटमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो वहां पर भी अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वसूल की है तो उसको भी हम लोग हटा देते हैं, फिलहाल वो बात की बात है, आगे चलते हैं, आएगा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस पर। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 6 की बात करते हैं, पहला देखा था टाइम ऑफ रिमूवल की प्रॉब्लम, दूसरा हम लोगों ने देखा था प्लेस ऑफ रिमूवल की प्रॉब्लम, तीसरा देखने जा रहे हैं प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। इट मीन्स कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ अमाउंट बायर से एसएससी को अंडर द टेबल जा रहा है, पता नहीं चल रहा, यानी कोई ना कोई अमाउंट फ्लो बैक हो रहा है बायर से एसएससी की ओर। अब मुझे ये गेहूं दे रहा है अलग से, चावल दे रहा है अलग से, ऐड करें या ना करें, हाँ या ना, वो तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ही देख लिया था, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनना। रूल 6, व्हेन सेलर गेट्स सम कंसीडरेशन, मैंने क्या बोला, व्हेन सेलर गेट्स सम कंसीडरेशन अदर देन द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, In such a case, the monetary value of such consideration shall be aggregate to arrived at the assessable value. Yani, yahan par hamara assessable value ho jayega price paid plus monetary value of considerations. Haan ya na? कोई और कंसिडरेशन हमको मिल रहा है उसकी मॉनिटरी वैल्यू जोड़ दो, गेहूं दी हो तो भैया गेहूं को आप इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कन्वर्ट करके आप उसमें इसको ऐड कर दो,
क्यों भाई? सुन लेंगे, सुन लो, मैंने इसको सामान बेचना है, सुनो ना, तुमको मुझे ये पेन बेचनी है, 1000 पेन बेचनी है। किसको बेचनी है? क्या नाम है तुम्हारा? मनोरंजन। मनोरंजन को मुझे 1000 पेन बेचनी है, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। अब थोड़ा 1 रुपए से आगे बढ़ो। 10 रुपए के हिसाब से। अब जब अगर मैं इसको 10 रुपए के हिसाब से सामान बेचूंगा तो एक्साइज ड्यूटी भी लग जाएगी, एक 10,000 रुपए पर। मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी का रेट है 12.5%, तो 1250 रुपये ड्यूटी आ जाएगी। इसको थोड़ा दिक्कत होगा, जेब से ज़्यादा निकलेगा, हाँ या ना? अब 10,000 पर ये 12.5% ड्यूटी देगा। इसने एक चालाकी रची, इसने मुझसे कहा, सर जी एक काम करते हैं, आप सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे 4,000 का, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसमें फिर 6,000 रुपये का आप लेबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वगैरह जोड़ करके हमको आप सामान देंगे 10,000 में, फिर आप इस पर ड्यूटी चार्ज करेंगे 1250, तब आप सामान हमको 11,250 में देंगे, यही तो होगा। एक काम करते, आप रॉ मटेरियल मत खरीदो, रॉ मटेरियल हम आपको दे दे रहे हैं। रॉ मटेरियल खरीद क्यों रहे हो? रॉ मटेरियल चाहिए ना तुमको, इसने मुझसे बोला। उन्होंने कहा हाँ, तो मैं उसमें 6,000 रुपये अपना लेबर और प्रॉफिट जोड़ दूंगा। अब मैं इसको सामान कितने में बेचूं, क्योंकि 4,000 तो इसी का लगा हुआ था, पहले से ही दे चुका है। अब 6,000 का 12.5% कितना? 700। अब मैं सामान कितने में दूं इसको, मेरा क्या घाटा है? मेरा कोई घाटा नहीं, जितना प्रॉफिट मुझे यहां मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट मुझे यहां भी मिल रहा है। लेकिन नुकसान किसका हो गया? कितने रुपए का? सीधे सीधे 500 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ समझ गए, 500 का नुकसान हो गया, क्या करें? नहीं, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कौन सा ऐसा नियम बना दे कि वापस वैल्यू 10,000 पर आ जाए, बस बात खत्म। 4,000 वापस जोड़ने वाला प्रोविजन बना दो, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अब मुझे ये डिजाइन वर्क दे रहा है, अगर डिजाइन वर्क ये नहीं देता तो मुझे बनवाना पड़ता। आर्ट वर्क दे रहा है, अगर ये मुझे नहीं देता तो मुझे आर्ट वर्क बनवाना पड़ता सामान बनाने के लिए। डाइज दे रहा है, डाइज, DIS, डाइज, जिससे सामान की डिजाइन सामने निकलती है। अगर ये मुझे ये डिजाइन वाला सामान, इसका खोखा नहीं देता, मान लो डिजाइन किया हुआ ताकि पेन बाहर निकले तो इसी डिजाइन में निकले, तो वो डिजाइन मुझे बनवानी पड़ती। डाइज, मोड्स, वो मुझे बनाने पड़ते, हाँ या ना? तो मेरा पैसा बच रहा है, मैं इसकी वैल्यू कम कर दूंगा और सामान बेचूंगा। कहा गया ना, अगर ये कोई मटेरियल, अगर ये कंपोनेंट, अगर ये कोई डाइज, मोड्स ट्रांसफर कर रहा है या आपको दे रहा है आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, तो उसकी वैल्यू को भी आप इसमें जोड़िए। नींद, उसकी वैल्यू को भी इसमें जोड़िए। अगर थोड़ी देर नहीं बोलते तो शायद आंखें इसकी टन। चलो इधर देखो। ओनली द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। कौन कौन सी? ऐसे पिलर हटा दें, नींद नहीं तो नहीं आएगी। ये पिलर ऐसे रहता है ना, थोड़ा आराम रहता है तो उसमें नींद आती है। देखो इधर, मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स और सिमिलर आइटम, दूसरा टूल्स, डाइज, मोड्स, ब्लूप्रिंट्स, टेक्निकल मैप एंड चार्ट्स, तीसरा मटेरियल कंज्यूम्ड बता दिया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, इंजीनियरिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान स्केच और लेआउट्स। अब बात समझ में आई? कोई भी ऐसा काम जो ये कर रहा है बायर सेलर की ओर से, अगर ये नहीं करता तो मुझे करना पड़ता और उसकी वैल्यू हम इसकी कॉस्ट में जोड़ते और बढ़े हुए दाम पर हम इसको सामान बेचते। अब चूंकि इसने वो चीज़ें हमको दे दी इसलिए इसका दाम मैंने कम कर दिया, गलत किया, वापस जोड़। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात?
ये है प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. प्राइस इज नॉट द सोल कंसेशन. देन वी देन एट दैट टाइम वी हैव टू एड बैक ऑल दोज थिंग्स विच आर टू बी गिवन बाय द बायर टू द सेलर और टू द एसएससी, ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस्ड प्राइस. अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दें तो ये सामान 6,000 का हमको 1,000 में बेचने लगेगा, सर गवर्नमेंट फिर दाम दिखा देगी. तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस्ड प्राइस. इज इट क्लियर? पक्की बात है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों जोड़ रहे हैं क्यों नहीं? ये था आपका रूल नंबर 6. और रूल नंबर 7 मैंने आप लोगों को पहले ही हिंट दे रखा है. हाँ, सेल फ्रॉम डिपो. बोलूं? तैयार हो नई चीज सुनने के लिए? रूल 4 मैंने बताया, टाइम ऑफ रिमूवल. रूल 5 मैंने बताया, प्लेस ऑफ रिमूवल. रूल 6 मैंने बताया, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. रूल 7 पर आते हैं, सेल थ्रू डिपो या कंसाइनमेंट एजेंट. ढंग से सुनना, ये हमारा फैक्ट्री गेट है, ये मेरा एजेंट का डिपो है या कंसाइनमेंट एजेंट है. हम 5 जुलाई 2016 को सामान इसको भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे. बेचेगा तो ये. लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दिया था, कि फैक्ट्री गेट तक सामान जो होता है, फैक्ट्री में आप सामान बिना ड्यूटी पेमेंट किए रख सकते हैं. वेयर हाउस में आप सामान बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए रख सकते हैं, किसी और जगह नहीं. यानी इस जगह पर जब आपका सामान जाएगा तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. यहां आप सामान भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे. और जब बेच नहीं रहे तो किस वैल्यू पर गवर्नमेंट को ड्यूटी जाएगी? फिर प्रॉब्लम आई. हाँ, तो कहा गया 5 जुलाई को हम 1000 यूनिट्स इसको भेज रहे हैं, और उसी दिन एजेंट ने 5 जुलाई 2016 को 200 यूनिट 400 रुपए में बेची हैं. तो 5 जुलाई को ही उसने बेची हैं वहां पर, तो मान लेंगे यहां से ड्यूटी जानी है. वैल्यू यही ले लो 400 रुपए, इस पर ड्यूटी दे दो, इस पर ड्यूटी गवर्नमेंट को दे दो और सामान यहां भेज दो. सुन लो, और जब वो सामान बेचेगा ना, जाए दो. ड्यूटी तो पहले से ही गवर्नमेंट ले चुकी. अब क्लियर है. ड्यूटी तो एक ही बार जाएगी, यहीं पर ड्यूटी दे दो गवर्नमेंट को. व्हेन द गुड्स आर टू बी रिमूव्ड टू कंसाइनमेंट एजेंट और डिपो, द ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी द प्राइस विच इज टू बी चार्ज्ड बाई एजेंट एट द सेम टाइम टू सेल टू द अदर पार्टी विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू. दैट विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू. सामान वहां बिक रहा है, जितने रुपए पर वहां बिक रहा है उतनी वैल्यू यहां ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी. चलो, अगर उस दिन नहीं हुआ तो 4 जुलाई को हो सकता है, नियरेस्ट टाइम. उस दिन नहीं बिका सामान तो इसका मतलब वैल्यू ना लें. अरे रिसेंटली जो अभी भी वैल्यू चार्ज की वो ले लो. अच्छा, ये 2 जुलाई का है और 6 जुलाई का हमको मालूम है, तब किसका ले लें? 6 जुलाई का ले लो. बात वही है, सब चीजें वहीं पर आ गई. अब बात समझ में आई? क्लियर है?
हाँ बोलो। बेचने दो सामान, अगर ये 200 में बेच दे हमें क्या लेना देना, सरकार को टैक्स मिल चुका है, सरकार को अब किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। तुम सामान चाहे फ्री में दो, चाहे तुम जला दो, चाहे कम दाम में बांट दो। गवर्नमेंट, अब सुन लो, ये मेरा कोई रिश्तेदार है, नहीं है, मेरे पास जो ये पेन है इसकी वैल्यू, हम सबको सामान बेचते हैं 15 रुपए में, पता नहीं क्या आया मन में चेहरा देखकर इसका मैंने इसको सामान 6 रुपए में दे दिया। हो सकता है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, कोई अब हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, एंड वी आर नॉट द रिलेटेड पर्सन्स, तो क्या 6 रुपए ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगा? हाँ, सरकार कहती है जो आदमी अपना नुकसान करने को तैयार हो जाए उससे अगर मुझे थोड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। जो आदमी 15 का सामान 6 में किसी को दे रहा है, 9 रुपये अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है और सीधे सीधे वैल्यू ले रहा है, यानी इसके अलावा कोई और कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो गवर्नमेंट को उसमें भी चिंता नहीं है। अब ठीक है ना, जो आदमी अपना भला बुरा नहीं समझ सकता तो गवर्नमेंट का क्या भला बुरा समझेगा? ठीक है ना, ये समझ में आया? पक्की बात है, सेल थ्रू कंसाइनमेंट एजेंट, देखो ना कितनी बड़ी बात बोला था, सेल वहां से होगा और जब हम फैक्ट्री गेट से सामान एजेंट के पास भेज रहे हैं तो उसी डेट में ब्रांच में कितने रुपए में सामान सेल हो रहा है उसी वैल्यू को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू ले रहे हैं। इज इट क्लियर? टैक्स देने के लिए द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल नंबर 8, कैप्टिव कंजम्पशन। और इसके लिए जानते हो तुम लोगों को, तुम लोग की सीएमए इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलीज किया हुआ है, हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। हमें CAS 4 का सहारा लेना पड़ेगा। आखिर क्या है इस रूल 8 में और ये कैप्टिव कंजम्पशन क्या है? मैं आज केवल हिंट दे दे रहा हूँ, मुझे मालूम है अगर ज़्यादा आया सर पे नहीं समझ में आएगा। क्या कहता है ये कैप्टिव कंजम्पशन? हम ये प्लास्टिक बनाते हैं और इस प्लास्टिक को पेन में यूज कर लेते हैं। मैं ही हूं प्लास्टिक बनाने वाला और मैं ही हूं उस प्लास्टिक से पेन बनाने वाला। मेरे दो प्रोडक्ट बने, एक प्लास्टिक और एक पेन है। अगर मैं प्लास्टिक बनाता हूं और उससे पेन में, विक्की समझ में आ रहा है? पक्का? बाकी सब लोगों को किसी को भी कोई टेंशन दिक्कत नहीं? बाकी लोगों को रूल नंबर 8 तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? रूल नंबर 8 की बात करते हैं, ढंग से सुनना। कैप्टिव कंजम्पशन, प्लास्टिक मेरी, पहले मैंने प्लास्टिक बनाई फिर मैंने इसी प्लास्टिक को यूज करके पेन बनाई, तो ये जो प्लास्टिक मैंने बनाई और उससे पेन बना रहा हूं, दिस इज नोन एज कैप्टिव कंजम्पशन। अपना ही सामान बनाकर अपने ही यूज में ले आ रहा हूं, इसको हम कहते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। अब तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि जब प्रोडक्ट बनेगा इन इंडिया, मैन्युफैक्चर होगा और अगर एक्साइजेबल है तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो प्लास्टिक बनी, नया सामान बना, एक्साइजेबल है, गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, ड्यूटी दे दो। फिर उसके बाद ड्यूटी देने के बाद फिर मैंने पेन बनाई, पेन भी गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, एक्साइजेबल है, फिर ड्यूटी दो। अरे मेरा दिमाग खराब हुआ है? बोलो हाँ। अच्छा ना, मेरा दिमाग खराब हुआ है कि मैं बार बार कोई सामान बनता जाएगा उस पर ड्यूटी देता जाऊंगा? गवर्नमेंट ने कहा ना। गवर्नमेंट के लिए भी टेंशन का मैटर हो जाता, तो गवर्नमेंट का जितने भी बीच में कैप्टिव कंजम्पशंस हैं उन पर हम एग्जेम्पशंस दे देंगे। क्या दे देंगे? एग्जेम्पशंस दे देंगे। केवल फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा, केवल फाइनल
फाइनल जो आप पेन बनाएंगे उस पर टैक्स लगेगा, बीच में जितने भी आप सामान बनाएंगे पेन से रिलेटेड फिनिश गुड्स चाहे वो एक्साइजेबल हो उन पर आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं मैक्सिमम। लेकिन रूल 8 कहता है कैप्टिव कंजम्पशन, कहता है कि अगर मैंने प्लास्टिक बनाई और उसी से हम पेन बना रहे हैं क्यों ना इसका दाम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक हम मार्केट में बेचते तो कुछ प्रॉफिट लेते और उस पर सरकार को क्या देते, तो सरकार कहती है कि एक काम करो इसका वैल्यू बढ़ा लो, इसका वैल्यू बढ़ा लो, इसकी वैल्यूएशन अब 100% मत रखो, 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मत ले लो, प्लस 10% प्रॉफिट जोड़ लो और आगे बढ़ जाओ, प्लस 10% प्रॉफिट जोड़ लो आगे बढ़ जाओ, इसका वैल्यू तो अपने आप टैक्स हमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो कैप्टिव कंजम्पशन के केस में हम लोग जो कैप्टिव कंजम्पशन प्रोडक्ट आता है उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10% प्रॉफिट ऐड करके ले लेते हैं। इज इट क्लियर? ये 10% फिक्स है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यू हैव टू ऐड 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कैप्टिव कंजम्पशन आइटम। इज इट क्लियर? हम उसमें 10% प्रॉफिट ऐड कर लेंगे वैल्यू में। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, इसके लिए हमें कैश फोर यानी कॉस्ट शीट पर जाना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर जो तुम लोग की सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है उस कॉस्ट शीट को देखना पड़ेगा, उस कॉस्ट शीट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ना उसमें 10% जोड़ देना। अब बात समझ में आई? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट CAS 4 के हिसाब से आएगा ना उसमें 10% जोड़ देना। तो क्या करें, CAS 4 देखा जाए ताकि हमें समझ में आ जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी है, ये हटा दें सब। कॉस्ट शीट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन हम यहाँ पर इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को हमेशा याद रहे, अदरवाइज मैं नॉर्मल कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ एज पर CAS 4। और ये याद रखना 90% चांसेस हैं, कितने परसेंटेज कि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आए, नॉर्मली चूंकि क्वेश्चन पूछना है तो पूरा एक फुल फ्लेज में क्वेश्चन बन करके तैयार है यहाँ पर कि आप हमें बताइए कैप्टिव कंजम्पशन की वैल्यू कितनी लेंगे। तो आप लोगों को पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो भी ध्यान देना इधर मैं आगे जो लिखने जा रहा हूं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन गलत या सही कर सकता है आपका ये। ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP माइनस रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट्स प्लस पैकिंग कॉस्ट। प्लस
मटेरियल और कंपोनेंट्स ऑफ मोड्स डाइज एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय बायर एट फ्री ऑफ कॉस्ट. This is your cost of production for captive consumption. ये आप लोग घर पे कम से कम 3-4-5 बार लिखने की कोशिश करेंगे ताकि कोई चीज़ छूटे ना. मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP माइनस रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप और एक्सेट्रा, प्लस पैकिंग कॉस्ट, प्लस ये, ठीक है ना. ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, मजे भी लेंगे. कोई डाउट हो अभी तक तो बताओ. हम लोग रूल 8 से ही स्टार्ट करेंगे फिर से, लेकिन इसको कम से कम 2-3 बार घर पे एक बार कॉपी में लिख लेना. कोई दिक्कत हो तो बताओ. इसमें रूल 1 मैंने बताया, मेरा नाम क्या है, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. रूल 2 डेफिनेशन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी. रूल 3 मैंने बताया, हम 4(1)(b) के कारण है. रूल 4 बताया, टाइम ऑफ रिमूवल, जब हम फ्री सैंपल्स और वारंटीज देते हैं. रूल 5 बताया, प्लेस ऑफ रिमूवल, प्लेस ऑफ रिमूवल. रूल 6 बताया, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. रूल 7 बताया, सेल थ्रू या ट्रांसफर टू डिपो और कंसाइनमेंट एजेंट. रूल 8 कंसाइन कैप्टिव कंजम्पशन. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चों.